कौन सा सिलेबस पढ़ना है हम लोगों को? क्या पढ़ना है? करंट आज पढ़ाई जाए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स चल ठीक है, करंट अफेयर में देखते हैं कि COVID-19 की जो महामारी है भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकती है। भारत के लिए COVID-19 की जो पेंडेमिक है वो भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकती है, और भारत इसे क्या सीख सकता है, और भारत क्या अपनी ग्लोरी प्राप्त कर सकता है। तो इसको देखने से पहले हम एक चीज बात करेंगे कि विंस्टन चर्चिल जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि दुनिया में कोई भी क्राइसिस को आप बेस्ट मत जाने दिए। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने एक स्टेटमेंट कहा था कि कोई भी क्राइसिस, जो भी कोई क्राइसिस आता उसको बेस्ट मत जाने दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए क्या लेकर आता है? एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। तो आखिर COVID-19 महामारी पेंडेमिक भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आया? अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब क्या कि क्या भारत वो अपनी खोई हुई ग्लोरी, जो भारत सोने की चिड़िया थी या भारत विश्व गुरु कहा जाता था, क्या वो ग्लोरी प्राप्त कर सकता है? यानी कि भारत क्या फिर से वही सोने की चिड़िया या विश्व गुरु की जो ग्लोरी खो दिया था, क्या वो दोबारा प्राप्त कर सकता है? तो आज हम क्या करेंगे ना, विंस्टन चर्चिल की इस स्टेटमेंट का परीक्षण करेंगे कि जब कोई भी क्राइसिस आती है तो आप उसको बेस्ट मत जाने दीजिए, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कुछ कर गुजरने के लिए। यानी कि अगर वो अपॉर्चुनिटी है तो क्या भारत वो अपनी खोई हुई ग्लोरी दोबारा प्राप्त कर सकता है? इसकी परीक्षण अगर हम करेंगे तो देखेंगे कि क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है। पहले इतिहास देखेंगे कि इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि कोई क्राइसिस आने की वजह से किसी भी सत्ता ट्रांसफर हुआ। फिर ये देखेंगे कि इस समय भारत में भारत का स्थिति क्या है, इस समय भारत की स्थिति क्या है। और दूसरा देखेंगे कि इस प्रेजेंट टाइम के एरा में जो सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाली देश कौन सा है, और वह देखेंगे कि किसके पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है जो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ भारत की स्थिति देखेंगे, यहाँ पे अमेरिका की देखेंगे, और यहाँ पे चीन की। और ये देखेंगे कि जो अमेरिका इस क्राइसिस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, तो क्या अमेरिका आज विश्व लीडर की जो भूमिका निभा रहा है वो ग्लोरी खो देगा, और वो ग्लोरी पाने के होड़ में भारत और चीन कहां तक सफल हो पाएंगे। यानी कि पहले हम इतिहास देखते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब भी कोई क्राइसिस आया है तो सत्ता क्या ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई है। तो इतिहास पढ़ने से पहले एक चीज हम देखें कि भारत सोने की चिड़िया थी। क्या थी? सोने की चिड़िया थी। तो सोने की चिड़िया क्यों थी और कैसे बनी थी, और भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता था, ये दोनों ही स्टेटमेंट को पहले देखेंगे। उसके बाद से देखेंगे कि इतिहास में क्या कभी ऐसी घटना आई है जिसकी वजह से कोई और देश को अपॉर्चुनिटी मिली है। तो पहले देखेंगे कि भारत सोने की चिड़िया थी, यानी कि वर्ल्ड के मैप में ध्यान से देखो, वर्ल्ड के मैप में अगर ध्यान से देखोगे तो जो भारत है, साइज बना लेते हैं ना वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड मैप में ध्यान से देखो भारत सोने की चिड़िया और भारत विश्व गुरु कैसे बना, पहले इस बात को परीक्षण करेंगे। फिर ये देखेंगे कि इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्राइसिस की वजह से क्या सत्ता ट्रांसफर हुई है, और तीसरी देखेंगे भारत की स्थिति, फिर देखेंगे अमेरिका की स्थिति, और फिर देखेंगे चीन की स्थिति, और वो देखेंगे कि भारत COVID-19 की महामारी की वजह से क्या अपनी ग्लोरी दोबारा प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये परीक्षण करेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी में ये देखें कि भारत इसमें क्या था,
एक समय था कि भारत में सबसे पहले धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए थे, सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुए थे। किसकी वजह से? जैन धर्म और बौद्ध धर्म की वजह से। और जिसके बाद भारत गुप्त काल आते आते एक सोने की चिड़िया क्या हो गई थी, बनके तैयार हो गया था। लेकिन जब भारत में धर्म सुधार हुआ, सामाजिक सुधार हुआ, और भारत गुप्त काल तक आते आते एक सोने की चिड़िया, इसीलिए तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत यहाँ सोने की चिड़िया बन चुके हैं, ध्यान से देखना। उसके बाद से गुप्त काल के बाद से पांचवी और छठी शताब्दी के बाद से जब देखते हैं सब कि भारत का युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो मध्य जो मिडिल ईस्ट जितने यहाँ पे यहाँ के अरब प्रायद्वीप के जितने देश होते हैं वो भी अपने यहाँ धर्म सुधार शुरू करते हैं। और यहाँ भी क्या आता है, इस्लाम धर्म आता है। यहाँ पे क्या आता है, इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म से ऑटोमन साम्राज्य आता है, और ऑटोमन साम्राज्य पूरा अरब प्रायद्वीप पे कब्जा कर लेता है, और यूरोप वाले भारत में व्यापार नहीं कर पाते हैं। यानी कि यूरोप भारत में व्यापार करने के लिए ऑटोमन साम्राज्य को हराना पड़ता, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य में भी तो ईसा मसीह क्या लेकर आए थे, जो कबीलाई जीवन था जिसमें हर आदमी अलग धर्म मनाता था, उसको खत्म कर दिए थे और कहे कि सिर्फ एक इस्लाम धर्म होगा। और इस्लाम मतलब क्या था, शांति में प्रवेश, यानी कि कोई कबीला किसी कबीला पर आक्रमण नहीं करेगा। उसके बाद से यानी कि भारत सोने की चिड़िया बना, उसके बाद से ऑटोमन साम्राज्य बना। लेकिन जब ऑटोमन साम्राज्य बीच में फैल गया ना, तो यूरोप वाले भारत में व्यापार करने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि स्थल मार्ग में बीच में कौन आ गया था, ऑटोमन साम्राज्य। अब यूरोप वाले का किए अपने यहाँ, अब यूरोप में ध्यान से देखो, यूरोप में क्या हो रहा था, यहाँ पे पुनर्जागरण हुआ। क्या हुआ, पुनर्जागरण, धर्म सुधार, और उसके बाद से बड़ीकवाद का सिद्धांत आया। और बड़ीकवाद के सिद्धांत से क्या कहा गया कि हम अपनी खुद की संपत्ति रख सकते हैं। और जो सबसे बड़ीकवाद का सिद्धांत कहता है कि सबसे अमीर वही होगा जिसके पास सबसे ज्यादा सोना और चांदी होगा, तो बड़ीकवाद के सिद्धांत से फॉलो करके उन्होंने नए नए जगहों की खोज किया। किसका, नए नए जगह। उसके बाद से जहाज का निर्माण किया, और उसके बाद से दिशा मापक केंद्र करके भारत में समुद्री मार्ग की खोज किया, और जब समुद्री मार्ग से भारत में वो चले आए, उसके बाद से भारत से ये सत्ता यहां तक नहीं पहुंच पाए। क्यों, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य धर्म का अपना दामन नहीं छोड़ता। लेकिन जब भारत में यूरोप आ गया ना, तो भारत के बाद से भारत को किसने लूट कर चला गया, यूरोप। एक चीज ध्यान से देखो, भारत सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया को लूटने की कोशिश सबसे पहले कौन करता है, ऑटोमन साम्राज्य। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य के बाकी शासक आके यहीं पे बसने लाइट आ गए, ऑटोमन साम्राज्य के बाकी शासक यहीं पे आके रहने शुरू कर दिए, तो लूटना बंद कर दिए और भारत की वो ग्लोरी बनी रहे। लेकिन जब भारत में यूरोप आते हैं ना, और यूरोप वाले भारत को लूट के चले जाते हैं, यानी कि सत्ता हस्तांतरण हो रही है। यानी कि पहले एशिया अमीर हुआ करता था, अब एशिया से कौन अमीर हो गया, यूरोप। यानी कि सत्ता हस्तांतरण हो रही कि नहीं हो रही है। भारत सोने की चिड़िया बन गई, इस सोने की चिड़िया के पास दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पर। यानी कि अब इतिहास देखते हैं, अब दूसरा प्रश्न क्या करेंगे, इतिहास देखते हैं कि सत्ता ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। ये तो हो गया, भारत में धर्म सुधार हुआ, उसके बाद से ऑटोमन साम्राज्य में, और उसके बाद से यूरोप में। इसके बाद से इतिहास अगर देखें, इतिहास में क्या हुआ, भारत के बाद से अमीर कौन हो गया, यूरोप। कौन हो गया, अमीर। यानी कि पहले एशिया अमीर हुआ करता था, बाद में कौन हो गया, यूरोप। यानी कि इतिहास में देखो, पहले एशिया अमीर हुआ करता था और बाद में कौन अमीर हो गया, पहले एशिया अमीर हुआ करता था और सत्ता कहाँ, मतलब धन कहाँ ट्रांसफर हो गए, यूरोप में। और यूरोप में क्या हुआ, ध्यान से देखना, यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और दोनों विश्व युद्ध के बाद से सत्ता कहाँ ट्रांसफर हो गई, अमेरिका में। कहाँ हो गई, अमेरिका में। यानी कि देखो, पहली क्राइसिस अपने रसिक सत्ता और साम्राज्यवादी सत्ता से भारत से कहाँ चली गई, यूरोप में। अब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कहाँ चली गई, अमेरिका में। यानी कि ये बात तो सही था कि विंस्टन चर्चिल का ये बात तो सही था कि दुनिया में जब भी क्राइसिस आई है ना, हमेशा क्या हुआ, जो प्रेजेंट ग्लोरी वाला देश रहता है वो अपनी ग्लोरी खोता है और नया कोई उभरता है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया में दो देश आए, एक तरफ था यूएसए, एक तरफ था यूएसएसआर। यूएसए, इसको यूएसएसआर को रूस बोलते थे, इसमें 15 देश शामिल थे और यूएसए अकेला था। यानी कि दोनों के बीच में शीत युद्ध होता है,
अशीत युद्ध, शीत युद्ध के बाद सैन्य, देखो ध्यान से देखो, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत नाटकीय तरीके से हुआ क्योंकि जापान आत्मसमर्पण कर चुका था, लेकिन अमेरिका दुनिया के अपने शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिरा, क्योंकि अब सत्ता किसके, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमीर कौन है, अमेरिका, यानी कि अमेरिका जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराता है तो ये तो फिक्स हो गया था कि अब दुनिया का दादा कौन है, अमेरिका। लेकिन रसिया को ये बात बुरा लग जाती है और रसिया और यूएसए में शीत युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं विचारों का युद्ध। ये कहा जाता है कि समाजवादी सत्ता मजबूत है कि पूंजीवादी सत्ता मजबूत है, दोनों के बीच में शीत युद्ध चलता है और शीत युद्ध 1990 में खत्म हो जाता है क्योंकि रसिया यूएसएसआर का ब्रिटेन हो जाता है और रसिया अलग थलग हो जाता है, यानी कि 1990 के बाद से दुनिया में सिर्फ कौन सा देश था, यूएसए, यानी कि 1902 विश्व युद्ध से, ध्यान से देखना। अब यूरोप के बाद से 1945 के बाद से, ध्यान से देखो हिस्ट्री में बात ध्यान से देखते रहना, देखना सत्ता कैसे ट्रांसफर हुई है इतिहास में। इतिहास में क्या हुआ, भारत सोने की चिड़िया थी, बन गई भारत, भारत सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, लेकिन इसको कौन लूटा, यूरोप। यूरोप में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध आया तब कौन बन गया, अमेरिका। लेकिन अमेरिका अकेला नहीं था, रूस उसको चैलेंज दे रहा था, लेकिन दोनों के बीच में जब शीत युद्ध होता है, एक विचारा का युद्ध होता है कि समाजवादी देश महत्वपूर्ण है कि पूंजीवादी, और दोनों के बाद 1990 में क्या होता है, शीत युद्ध खत्म हो जाता है क्योंकि रशिया का ब्रिटेन हो जाता है और दुनिया का एकमात्र देश कौन बन सकता है, अमेरिका। यानी कि सत्ता धीरे धीरे कहां पहुंचाई, भारत से यूरोप में, यूरोप के पास। आप लोग कहेंगे कि बीच में ऑटोमन साम्राज्य को क्यों नहीं मिला, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य इस्लाम धर्म को छोड़ के नहीं आगे बढ़ा था, वो इस्लाम धर्म को लेकर चल रहा था, और धार्मिक कर्मकांड करेंगे ना तब विज्ञान पर बढ़ावा नहीं देंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी तो ऑटोमन साम्राज्य छोड़ दिया, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी किसको मिल गई, यूरोप को, यूरोप के पास किसको मिल गई, अमेरिका को, यूएसए को। लेकिन यूएसए और जापान में, यूएसए और रूस में, यूएसएसआर में कौन आगे होगा, दोनों के बीच में शीत युद्ध होता है और शीत युद्ध के पास जब यूएसएसआर का ब्रिटेन हो जाता है तो दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र कौन बन जाता है, यूएसए। यूएसए दुनिया का शक्तिशाली अब लीडर हो गया। तो आप लोग देखिए दुनिया के सारे वर्ल्ड ऑर्डर जितने भी थे, चाहे आईएमएफ हो, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, समय किसकी वर्चस्व से होने लगती है, यूनाइटेड नेशन का सबसे समय सबसे ज्यादा फंडिंग कौन देने लगता है। लेकिन फिर एक क्राइसिस आती है, कौन सी क्राइसिस, 2008 का, 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आता है, और सब प्राइम क्राइसिस में यूएसएसआर की जो सत्ता थी ना वो धीरे धीरे नीचे आती है, और यहीं से नया शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में कौन उभरता है, चीन। क्या आता है, चीन। अब यही बात हम आपको बताते हैं कि विंस्टन चर्चिल, ये बात कहां तक सही है कि 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका में आया था तो अमेरिका के पास से धन धन किसके तरफ ट्रांसफर होने लगा, चीन के तरफ। अब चीन में कोविड-19 आया है तो क्या वो भारत की तरफ आ सकता है, यानी कि भारत क्या दुनिया का फिर वो सोने की चिड़िया बन सकता है, क्या भारत वो विश्व का फिर विश्व गुरु बन सकता है। तो अब देखेंगे 2019 का कोविड-19 की क्राइसिस का अगर हम बेस्ट ना जाने दें, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें, तो भारत फिर वो अपनी खोई हुई ग्लोरी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले अमीर कौन था, उसके बाद से यूरोप, यूरोप के बाद से अमेरिका, अमेरिका बाद से कहाँ गया, चीन, और चीन के बाद से कहाँ जाएगा, भारत। यानी कि हमें अब यहाँ पे शुरुआत करना होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए चीन, WHO दुनिया को बताया कि नहीं बताया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है कि नहीं फैलता है, ये तो डिबेट की बात हो सकती है, लेकिन चाइना ने ये बात पूरी दुनिया से छुपाई। यानी कि ये बात अगर हम यूनाइटेड नेशन में जब डिबेट की बात आई कि कोविड-19 पे डिबेट हो कि चाइना की गलती है, तो चाइना वीटो करके उसको बहस को रोक देता है कि बहस नहीं होने देता। लेकिन अगर ये बात हम उठाना शुरू करें कि आखिर चाइना ऐसा क्यों किया, आखिर आज दुनिया क्यों झेल रही है, यानी कि चाइना का अगर हम क्रिटिसाइज करें तो आज दुनिया के सारे देश चाइना से व्यापार करना नहीं चाहेंगे। अगर हम अपने देश में क्या करेंगे कि वही मेक इन इंडिया को, वही भारत की सभ्यता की, यानी कि ध्यान से देखिए अब भारत की परीक्षा करेंगे फिर चाइना की, और ये देखेंगे कि दोनों में भारत के पास क्या अपॉर्चुनिटी है और भारत की सभ्यता फिर कैसे आगे बढ़ सकती है। यानी कि
वही वक्त है डिस्टेंस एक्सिस क्या कहते हैं दुनिया में जब भी कोई क्रांति आएगी तो सत्ता का ट्रांसफर होगा यानी कि एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है क्या होती है अपॉर्चुनिटी होती है तो वही देख रहे थे कि भारत के पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि वो विश्व गुरु हो सकता है और भारत क्या वो सोने की चिड़िया फिर बन सकता है तो क्या हुआ अब देखते हैं कोविड 19 कहाँ है चीन में यानी कि इसके पहले कहाँ दिए अमेरिका था कौन था अमेरिका लेकिन अमेरिका का डिक्लाइन कब से होता है 2008 के सब प्राइम क्राइसिस के बाद से ये कहाँ पे चलाता है चीन में अब चीन में कहाँ आया है कोविड 19 चीन के वुहान शहर से कोविड 19 आया है तो ये कोविड 19 हमें क्या सिखा रहा है भारत की सभ्यता की फिर जरूरत पड़ गई जैसे भारत की सभ्यता का महत्व कैसे बढ़ गया यहाँ से देखिएगा यहाँ पे भारत की फिर वही ग्लोरी मिल रही है हम आज नमस्ते करते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए हम किसका चीज करते हैं नमस्ते ये किसकी सभ्यता की देन थी पहला चीज नमस्ते दूसरा मेडिटेशन ये किसकी सभ्यता की देन थी भारत मेडिटेशन उसके बाद से योग क्या हुआ तीसरा क्या है योग यानी कि नमस्ते मेडिटेशन और योग ये किसकी सभ्यता की देन थी यानी कि कोविड 19 से ये दवा नहीं है नमस्ते मेडिटेशन और योग एक दवा नहीं है कि उससे हम छुटकारा पा सकते हैं लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा और हम कोविड जैसे महामारी से बचने में क्या हो जाएंगे सक्षम हो जाएंगे योग करने से हमारा इम्यून सिस्टम ही तो मजबूत होता है मेडिटेशन करने से हमारा इम्यून सिस्टम ही तो मजबूत होता है और नमस्ते आज क्यों कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए यानी कि भारत की वही सभ्यता भारत की देखिए भारत की सभ्यता में एक चीज थी शाकाहारी होना और आज दुनिया से क्या कहा जा रहा है कि आप शाकाहारी बनिए क्यों ये किसकी देन थी भारत की सभ्यता में ही तो शाकाहारी थी शाकाहारी मतलब नॉन वेज वाली सभ्यता कौन थी तो आज दुनिया किसकी तरफ भाग रही है नमस्ते मेडिटेशन योग और शाकाहारी यानी कि आज भारत के पास क्या है भारत की सभ्यता जो वही चीजें आ रही हैं जो भारत कब हुआ करती थी प्राचीन काल में और यही भारत को धर्म गुरु भारत से ही तो अहिंसा अहिंसा का सिद्धांत पूरी दुनिया में कहां से फैला था किसने फैला था बौद्ध धर्म और जैन धर्म यानी कि भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी थी क्या थी कि भारत भारत के पास कोविड 19 की महामारी एक अपॉर्चुनिटी देती है कि भारत फिर से वो धर्म गुरु विश्व धर्म गुरु और भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है तो देखते हैं भारत कैसे प्राप्त कर सकता है भारत और चीन के बीच में देखते हैं अंतर क्या है पहले भारत और चीन के बीच में परीक्षण करेंगे दूसरी चीज हम यहाँ चीन को क्रिटिसाइज करना शुरू किए WHO की गलती है कि नहीं है लेकिन इतना तो पता है कि चीन की गलती है जो दुनिया को 23 जनवरी को बताया कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा है लेकिन उसका पहला केस नवंबर में आता है यानी कि जो 2-2.5 महीना यानी कि अगर हम चाहें कि उसकी क्रिटिसाइज स्टार्ट करें तो दुनिया के सारे देश उससे व्यापार करना क्या करेंगे बंद करेंगे वहां पे टूरिज्म करना वहां पे जाना सब कुछ क्या करेंगे उसको अलग थलग करेंगे तो जो ग्लोरिया चाइना की बनी हुई है वो क्या होने लगेगी खत्म होने लगी और उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कौन कर सकता है तो देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति चीन की तरह ही है लेकिन देखेंगे यहाँ पे अंतर भारत का कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो चीन से बेहतर है भारत की जनसंख्या चीन में दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या लेकिन आपको पता है कि चीन की जनसंख्या बूढ़ी हो रही है क्या हो रही है बूढ़ी हो रही है और भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर पे है लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है पहली अपॉर्चुनिटी जो हम चाइना से लीड कर सकते हैं कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है जो हम किससे आगे हो सकते हैं चीन से दूसरी चीज ये तो हो गया भौगोलिक भारत के पास उतने संसाधन है और तीसरी चीज क्या है कि आज वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ज्यादा तवज्जो इंग्लिश की दी जाती है भारत दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश बोले जाने वाला लैंड एरिया है यानी कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग कहाँ होती है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कौन है भारत और जो कि ये भी अपॉर्चुनिटी चीन के पास नहीं है अब रह क्या गया कि हम उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे लीड कर सकते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भारत कैसे लीड कर सकता है भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब कैसे बन सकता है जो दुनिया के सारे देश अब चीन को क्रिटिसाइज करें क्योंकि ध्यान से देखें WHO में अगर
चाइना की हजमोनी अगर स्थापित नहीं होती तो WHO आके बोलता ना कि चाइना गलत कर रहा है, लेकिन क्यों नहीं बोला? क्योंकि 2008 के बाद से किसका वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ज्यादा प्रभुत्व स्थापित हो चुका था? चीन का। यानी कि अब हम चीन के क्रिटिसाइज करना शुरू करें, और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ना, जैसे क्या भौगोलिक स्थिति भारत और चीन के, भारत जितना उसका है चीन का है, लेकिन जनसंख्या अगर देखे ना तो जनसंख्या हमारी चीन की बूढ़ी है, क्या है, बूढ़ी है, लेकिन भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि वो डेमोक्रेसी नहीं है, चीन डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन भारत क्या है, डेमोक्रेसी है। और दुनिया से कह सकते हैं कि हमारे पास अगर ऐसी कोई आता है तो हम कोई डाटा चीन की तरह छुपा नहीं सकते हैं, चीन की तरह छुपा नहीं सकते हैं। क्यों? जैसे चीन ने दुनिया से क्या कर लिया था, छुपा लिया था ना, दुनिया ये नहीं जान सकती कि चीन में कितने लोग मरे हैं और कितने लोग जीवित रहे, पानी का। तो भारत और चीन के हम यही कह रहे थे कि भारत और चीन के बीच जो अपॉर्चुनिटी है वो मतलब भारत कहाँ लीड कर सकता है, क्या भारत तो दोबारा अपनी ग्लोरी प्राप्त कर सकता है, तो देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र थोड़ा सा कम है लेकिन संसाधन भारत में कम नहीं है चाइना से, भौगोलिक क्षेत्र थोड़ा कम है लेकिन संसाधन है, जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या चीन के पास है लेकिन वो जनसंख्या बूढ़ी है, और भारत के पास क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है जो हम चाइना से लीड कर सकते हैं, जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम फिर वो जो हमारी ग्लोरी है ये क्राइसिस के बाद से हम प्राप्त कर सकते हैं, हम भारत के फिर लीडर हो सकते हैं, फिर धर्मगुरु बन सकते हैं और फिर वो सोने की चिड़िया बन सकते हैं। यानी कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी COVID-19 छोड़ के जा रहा है। और दूसरी चीज क्या है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी है, और चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि ये भी हम उनसे लीड कर सकते हैं। और तीसरी चीज, हमारी गवर्नमेंट के पास से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी गवर्नमेंट जो कहेगी दुनिया उस पर विश्वास करेगा, लेकिन चीन जो करता है उस पर दुनिया विश्वास करेगी, इसके पहले क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि पता नहीं चीन सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। यानी कि भारत के पास सिर्फ कुछ अच्छे सुधार करने, किस क्षेत्र में हम उनसे पीछे हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर भारत अच्छे तरीके से सुधार कर ले तो भारत शायद आज वो ग्लोरी को प्राप्त कर सकता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे तो हम भारत चाइना से लीड कर गए, और तीसरी चीज का था जो प्रेजेंट टाइम का अमेरिका है वो क्या है, आज COVID-19 का सबसे ज्यादा महामारी की समस्या सबसे ज्यादा कौन झेल रहा है, अमेरिका झेल रहा है। यानी कि अमेरिका तो अपनी अमेरिका की वो हजमोनी पूरे विश्व में नहीं रहेगी, वो शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अब विश्व में स्थापित नहीं हो पाएगा, अब कहीं ना कहीं सत्ता ट्रांसफर होगी और सत्ता के होड़ में भारत और चीन होगा, लेकिन चीन कुछ ऐसे गलती किया है और चीन के पास से कुछ अपॉर्चुनिटी खो देगा जिसको प्राप्त करके भारत आज दुनिया में क्या हो सकता है, स्थापित हो सकता है। तो यही देखेंगे कि भारत कौन से ऐसे सुधार कर सकता है। मेक इन इंडिया, भारत अगर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का हब बनना है तो भारत को मेक इन इंडिया पे सही से फोकस करना होगा। भारत मेक इन इंडिया लेकर तो आया तो था लेकिन क्या हुआ, उसको सही से ग्लोरी प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भारत में लेबर लॉस और भारत में लैंड एक्विजिशन जैसे बिल अभी पारित नहीं हुए, तो भारत को क्या करना होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे भारत चाइना के भी पास सस्ते लेबर है और भारत के भी पास सस्ते लेबर है, लेकिन भारत अपने लेबरों को स्किल दे दे और ये चीप लेबर फैक्ट्रियों में यूज करके भारत क्या करे, पहले लेबर लॉज बदल दे, लेबर में सुधार कर ले, और दूसरी चीज लैंड एक्विजिशन बिल, कोई भी फैक्ट्री जब कोई भारी फैक्ट्री भारत में आती है तो भारत में तभी तो स्थापित होगी जब उसको भूमि मिलेगी, यानी कि भारत भूमि अधिग्रहण बिल पारित कर दे, लेबर लॉज में सुधार कर दे, तो सस्ते चीप लेबर भारत के मेक इन इंडिया को बहुत आगे लेके जा सकते हैं और भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बन सकता है और भारत चाइना को क्या कर सकता है, पछाड़ सकता है। यानी कि COVID-19 की महामारी आपके लिए, हमारे देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए वो खोया हुआ गौरव फिर प्राप्त कर सकता है, भारत दुनिया का फिर वही धर्मगुरु बन सकता है, धर्मगुरु कर विश्व गुरु बन सकता है, जो यह स्थापित कर सकता है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा तवज्जो भारत की सभ्यता की दी जा रही है। जैसे जो भी चीज देख लीजिए, आज शाकाहारी होने की बात की जा रही है, आज अहिंसा की बात की जा रही है, क्योंकि हम जीव जंतुओं को मार रहे हैं, उसी की वजह से तो COVID-19 जैसे बीमारी आ रही है। अगर चाइना में ही क्यों आती है सर,
कोविड-19 नया बर्ड फ्लू नया स्वाइन फ्लू सिर्फ चाइना में क्यों? क्योंकि वो जानवरों के प्रति बहुत ज्यादा हिंसक होते हैं, किसी भी जानवर को मांस को खाने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या हुआ, आज भारत की ग्लोरी आज दुनिया के सामने रिप्रेजेंट हो सकती है और ये दिखा सकती है, बशर्ते अब हमें क्या करना है ये हम फोकस करें। तो पहले क्या करना है, यहाँ तो हम लीड कर जाएंगे, चाइना से हम लीड कर जाएंगे। दूसरी चीज क्या, हम ये कहते हैं कि भारत चाइना के पास आज वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है, और इंग्लिश बोली जाती है तो भारत दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश बोले जाने वाला देश है, यानी कि भारत इसमें भी चाइना से क्या है आगे है, चीन से क्या है आगे। बस सकते अब भारत को क्या करना है इस पे फोकस करें, तो भारत को मेक इन इंडिया पे खुद ज्यादा फोकस करना होगा, बिल्डअप मेक इन इंडिया को, बिल्डअप इंडिया यानी कि भारत में ही हम बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सब कुछ करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, भूमि अधिग्रहण बिल लाना होगा, लेबर लॉ में संशोधन करना होगा, और भारत में जो लाल फीताशाही है ना, लाल फीताशाही भारत की ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको बदलना होगा, यानी कि भारत को क्या करना है इस पे फोकस कर लेते हैं, जिसकी वजह से भारत वो खोया वो ग्लोरी प्राप्त कर सकता है। तो ध्यान से देखिए, हम तो देख लिए सबसे पहले भारत को क्या करना है, चाइना हमसे आगे किस सेक्टर में, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो हमें भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमको मेक इन इंडिया को मेक इन इंडिया को बिल्डअप करना होगा। भारत के लेबर लॉज, भारत में लेबर तो है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, उसको हमें क्या देना होगा, स्किल देना होगा, क्या देना होगा, स्किल देना होगा, और भारत की भूमि अधिग्रहण बिल पास करना होगा, भारत को क्या करना होगा, लेबर लॉज में सुधार करना होगा। उसके बाद से भारत को क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, ये सब सारी चीजें करके भारत क्या बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब। लेकिन इसमें हर देश की जनता पहले, आज हमें इसी बात की जरूरत है कि भारत क्या करे कि जो महामारी आज फैली है, तेजी से फैल रही है भारत में, उस पे काबू पा ले और दुनिया को मैसेज दे दे कि हम इस महामारी को अच्छे तरीके से, आज अमेरिका हमसे दवा क्यों मंगा रहा है, क्योंकि कुछ तो अच्छे बिजनेस हमारे देश में चल रहा है ना, तभी आज हमारी महत्व बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। आज हमें दिखा दिए कि दुनिया की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे पास कोविड-19 से महामारी जैसे कम इफेक्ट किया है, लेकिन इस इफेक्ट पे जितना जल्दी होके हम काबू पा लें उतना हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि फिर हम लीडर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, क्योंकि चाइना तो गलती किया है और इस चाइना की गलती को हम क्या कर लें अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेबर लॉ सही हो गया, फिर क्या है, भारत में लाल फीताशाही जो चलती है ना उसको हमें सुधार करना होगा, भारत में करप्शन जो ज्यादा ही माल बना, करप्शन लाल फीताशाही की वजह से ही होती है, और उसके वजह से क्या है, भारत की ब्यूरोक्रेसी में भी थोड़ा सा सुधार करना होगा, यानी कि भारत क्या हो सकता है, भारत दुनिया का वो सोने की चिड़िया फिर बन सकता है, भारत ग्लोरी दोबारा प्राप्त कर सकता है। बस बशर्ते आप लोग अपने घर में बैठ के भारत के इस महामारी में सहयोग दें, आप लोग कैपेबल बन जाएं, भारत फिर वो ग्लोरी हासिल कर सकता है, भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है, यानी कि विंस्टन चर्चिल का बोला गया वो स्टेटमेंट 100% सत्य है कि दुनिया में जब जब भी कोई क्राइसिस आया है तो उसको आप वेस्ट मत करिए, क्योंकि वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है।